बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल बिहार सरकार के कामकाज के तरीके से बिहार में निवेशकों की संख्या बढ़ सकती है, ये दावा पहले बिहारी प्रवासी दिवस के आयोजन पर किया गया है। दरअसल पटना में पहले बिहारी प्रवासी दिवस का आयोजन हुआ। उद्योग विभाग, बिहार फाउंडेशन और कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के संयुक्त सहयोग से इस कार्यक्रम में कई देशों से आए प्रवासी बिहारियों और अधिकारियों ने सूबे को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। सम्मेलन के दौरान आए लोगों ने कहा कि बिहार में अब इमोशनल निवेश का दौर चल गया है। वर्ल्ड बैंक, भारत सरकार सहित स्वतंत्र एजेंसी भी अब मान रही है कि निवेश, कारोबार और उद्योग के लिए सूबे में अनुकूल माहौल तैयार हो गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ने कहा है कि कारोबार की सूबे में अपार संभावनाएं हैं। उद्योग स्थापित कराने के लिए कानून को सरल बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि निवेश की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और सिंगल विंडो के माध्यम से पूरी की जा रही है। निवेश के प्रस्ताव पर 30 दिनों के अंदर फैसला लिया जा रहा है। प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण कहीं से भी संपर्क किया जा सकता है। 70 स्टार्टअप की फंडिंग की जा रही है। 15 इंक्यूबेशन सेंटर राज्य में काम कर रहे हैं। इस समारोह में 10 देशों से करीब 150 प्रवासी बिहारी पहुंचे थे। सम्मेलन में पहुंचे उद्योगपतियों ने कहा कि बिहार में सबसे ज्यादा फूड सेक्टर में संभावनाएं हैं। ब्रिटानिया प्रिया गोल्ड और कोका कोला फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा चुकी है। इस मौके पर भी ये भी फैसला किया गया है कि बिहार फाउंडेशन का जिस देश में चैप्टर है, वहाँ बिहार में निवेश के अनुकूल माहौल की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर बिहार से एक्सपर्ट भी वहाँ बुलाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में बताया गया है कि बिहार फाउंडेशन को प्रवासी बिहारी का डेटाबेस तैयार करने को कहा गया है। बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के निदेशक ने कहा कि सर्विस सेक्टर की कंपनियों को भी सूबे में राज्य सरकार अब जमीन उपलब्ध करवाएगी। इसका नोटिफिकेशन बीते बुधवार को ही जारी कर दिया गया है। इससे सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के लिए सूबे में निवेश करना आसान हो जाएगा। सस्ते और कुशल कर्मी के कारण सर्विस सेक्टर का पसंदीदा क्षेत्र पहले से ही बिहार रहा है। नई कंपनियों के सूबे में आने से स्थानीय युवकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जाहिर है, इस पहल से सबका फायदा होगा और जिस रोजगार को लेकर सरकार अक्सर घिरती है, उस संकट को भी कम किया जा सकेगा। आपको बता दें कि ये पहली बार हुआ है जब प्रवासी दिवस का आयोजन बिहार में किया गया, जिसमें देश और विदेश से आए बिहार के लोगों ने अपनी राय रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।